हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? तो ये मेरा मॉर्निंग वाला वीडियो है। आज है अक्षय तृतीया और आज ईद भी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आटा निकाला है और चाय उबल रही है मेरी, दूध उबल रहा है और ये छोले और एक आलू को मैंने बॉईल किया है। तो मैंने फास्ट तो किया नहीं है, फास्ट नहीं रखा है मैंने। मैं सिर्फ ऐसे ही भगवान को भोग लगाऊंगी, सुबह पूजा करूंगी। तो देखिए, ये यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह। अभी मैं किचन में हूँ और ये देखिए, भगवान के भोग की थाली रेडी है हमारी। तो चलिए, मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता, पूजा, भगवान को भोग लगाना, खाना सब हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सामने वाली भाभी के घर पे, जैसे मैंने आपको कल बताया था। ये देखो, यहाँ पे मेरा घर है और ये लॉबी से बाहर आएंगे, ये हमारा कंपाउंड है और सामने की बिल्डिंग में भाभी का घर है। तो चलिए, आज ईद है, हम मिलते हैं उनसे, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ भाभी के पास। ये देखो, भाभी ने बिरयानी बनाया है। भाभी, ये वाली बिरयानी का नाम क्या है? वो अचार वाली बिरयानी है, डेली की अचार वाली। तो फ्रेंड्स, बहुत से नाम होते हैं बिरयानी के। ये देखो, भाभी प्लेट में निकाल रहे हैं ऐसे मिक्स करके। उन्होंने थर लगाया था पहले, सालन रेडी किया था, उसके ऊपर राइस डाला था। और ये गर्ल्स यहाँ पर आ गए हैं। हाय, से आए पूर्वी, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाभी। और अभी हम खाएंगे, भाभी ने हमको बुलाया है आज। देखो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, काशा आप भी ले सकते। तो चलो, बच्चे खाएंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। बोलो, देखिए हम सब रेडी हो चुके हैं ईद के लिए। और हम हमारे फ्रेंड्स के घर पे, मासुमा के घर पे, मासुमा के घर पे। और अभी हम बिरयानी खाने वाले हैं, खाएंगे बिरयानी, खाएंगे। और हम सब कार्टून जैसे बने, आप खुद ही देख सकते हैं, सब अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मेकअप किया आप लोग ने? हाँ, इसलिए इतना अलग लग रहे हो। हम लोग बिरयानी खाने वाले हैं। बिरयानी खाएंगे, हमारे मुंह में पानी आने चालू हो गए। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर भाभी ने बिरयानी निकाला है बच्चों के लिए और ये सब अभी बैठे हैं यहाँ पर। खाना भी है, हाय बोलो। क्या करूँ, ये बिरयानी बनाया है और मैं खाऊंगी बच्चों के साथ बैठ के। अभी आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। आ रही हूँ छोटी बहन। और मास्क पहन के घर से बाहर निकलो। हाँ, अपना ध्यान रखें।